हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेडमास्टर सचिन पे। तो दोस्तों, आज आप सभी को यहां पे दिख रहा होगा, और जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि एसपीडी 20 प्रो का आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने इस विषय में जिक्र भी किया था आप सभी को इस चैनल पे कि मैं एक 20 प्रो लेने वाला हूँ, जो की रोलेंट का आता है एसपीडी 20 प्रो। और मैंने काफी सारी वीडियोज मैंने यूट्यूब पे भी देखी, तो काफी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए थे कि बहुत बढ़िया है, इसका डेप्थ अच्छा है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है, सारी चीज के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा। लेकिन आज फाइनली मेरे पास चला आया है 20 प्रो, और इसी का जो है सो मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा और आप सभी को मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पैकेट को खोला नहीं अभी तक, जिस तरह से आया है एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। और आप लोगों को कैसा लगेगा हमको वीडियो में जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है, ये पहली वीडियो है मेरी अनबॉक्सिंग की। तो चलिए आज हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि सभी को पता है जुगाड़ों काम होता है यहाँ बिहार में, ठीक है, कटिंग करने के लिए कोई चाकू की जरूरत नहीं है, बाइक का चाबी लो और यहाँ कॉर्नर पे रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हैवी पैकिंग रहती है, थोड़ा नजदीक लाना इसको, और इसका पैकिंग बड़ी कमाल का किया गया है, और देखिए इस तरह से इधर, देखिए यहाँ से इधर भी टैप रहता है, इधर भी और बीच में भी। चलिए मैंने उस साइड कटिंग कर लिया है, अब इस साइड कटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, और अब इसको ओपन करते हैं। वाओ सो अट्रैक्टिव लुकिंग यार, बड़ी गजब लग रहा है भाई, क्या बताऊं मैं। अपना चश्मा उतार लेता हूं और यहां पे दिखाते हैं, चाबी को साइड में रख देते हैं, और थोड़ा नजदीक लाना भाई इसको, और यहां से देखिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना इसका मस्त पैकिंग किया गया। मतलब वाकई कही जाए तो रोलैंड ने इसको इतना मतलब सेफ्टी से इस चीज को भेजते हैं, चूंकि ज्यादा कॉस्टली भी है, बस इसका सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। इतना मजबूत है कि इसको आप कहीं पे एक बार इस तरह से थोड़ा हाइट से फेंक भी देते हैं तो कुछ नहीं करने वाला है। और इसके साइड में देखिए इस तरह का ये बॉक्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आखिर इसमें है क्या। और इधर से नहीं, हाँ इस साइड से ओपन होता है। देखिए दोस्तों, इस साइड का है, इसमें देखते हैं क्या क्या आखिर इसमें दिया है। मैंने तो सोचा था कि स्टिच वगैरह दिया होगा, लेकिन ये एक एडप्टर दिया है, और उसके साथ दिया है ये, और कुछ तो नहीं दिया है भाई इसमें। मतलब साइड वाले जो एक बॉक्स है उसमें सिर्फ एडप्टर दिया गया है, और ये है उसका मेन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इस एडप्टर को साइड करते हैं, और उसके बाद निकालते हैं इसको, जिसको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए इसको इस तरह से उठा लेते हैं, और उठा देने के बाद पहले इसको उठाते हैं। बहुत मस्त और शानदार पैकिंग की गई है दोस्तों, इतना सेफ्टी का ख्याल रखा गया है इसमें, देख रहे कि इतना मतलब हैवी है। और उसके साथ देखिए ये तो मेरा पैड हो गया, और चलिए हम इसको साइड रख देते हैं, और पैड को साइड रख देने के बाद देखते हैं इसमें क्या चीज है। और इसमें दोस्तों ये दी हुई है, इसमें कुछ है, इसके वारंटी पेपर्स हैं और कुछ यूजर मैनुअल होंगे इसमें, देख लेते हैं इसको भी इसके अंदर क्या दी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, बाद बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई आप लोग कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। ये एक बुक टाइप की है, वाह, निर्देश पुस्तिका पीडीएफ मैनुअल वेब से डाउनलोड करें। चलिए बहुत अच्छा मतलब ये है इसका, और इसमें बस यही इसके फीचर के बारे में बताई गई है इसमें, और इतना ही नहीं दोस्तों इसमें तो अब तो हिंदी में भी आ गई है। वैसे मैं साइट से डाउनलोड करता था तो इंग्लिश में होती थी, और इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे है, सारी चीज इसमें दी हुई है, बैंक किट चैन, मतलब सारे MFX सेटिंग, मतलब सारी चीज इसमें दी हुई है, इसके साथ जो ये यूजर मैनुअल मिला है इसके साथ। चलिए अब इसको हम साइड करते हैं और इस बॉक्स को भी हटाते हैं, और फाइनली हम देखते हैं ऑक्टापैड का। देखिए ये जो है फाइनली ऑक्टापैड है, इस तरह से पैकिंग रहता है, थोड़ा नजदीक लाना इसको,
मैं इसको नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना बढ़िया और सेफ्टी से। देखिए पूरा एकदम सेफ्टी का इसमें ध्यान रखा गया है। इसका बैक दिखाते हैं, बैक साइड देखिए, इधर बैक से वाओ इधर भी पैकिंग का मतलब क्या बताएं दोस्तों, मतलब वाकई कमाल का पैकिंग है भाई। चलिए मैंने उसको हटा दिया, अब इसको निकालने की कोशिश करता हूँ इसे। भाई बहुत टाइट हो रहा है यार, निकल नहीं रहा है कभी, मतलब शानदार पैकिंग किया गया है दोस्तों। अब हम इसको यहाँ से और यहाँ से भी देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने इस तरह से इसको हटा दिया और इसको काफी बड़ा है इसका जो पैकिंग किया गया है। अब चलिए हम इसका दिखाते हैं फुल एंड फाइनली लुकिंग। वाओ इतना मस्त है भाई, दिस इज अट्रैक्टिव लुकिंग यार, मतलब देखने के बाद वाकई में लगता है कि क्या शानदार। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस माइनस से ये जो दी गई है, पैच चेंज करने के लिए दी गई है, किट लॉक का भी है, शिफ्ट है, एग्जिट इंटर और इंस्ट्रूमेंट टाइप, मतलब इसमें अदर जो ऑक्टापैड है जैसे कि 20X और 20 ले लेते हैं तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत मतलब जो है सो कम बटन्स दी गई है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें फंक्शंस दी गए, मतलब कूट कूट के जिसको बोलते हैं फंक्शन देना वो इसमें दी गई है। मतलब लुकिंग इसका वाकई में कही जाए तो एकदम बहुत ही बेहतरीन है और कमाल का है इसका। इस तरह से साइड से व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से देखिए इधर ये साइड का व्यू है और ये फ्रंट व्यू और फिर इधर साइड का व्यू, ठीक है, और ये इसका बैक पैनल है। और थोड़ा हम नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है ये सारे चीज़ दिखाई जाए। देखिए हेडफोन का जैक, हालांकि 20X में जो दिया हुआ था वो 3.65 mm होता है, और सॉरी 3.5 mm का जैक होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे बड़ा वाला जैक दिया गया जैसे कि लेफ्ट राइट मोनो वगैरह में लगाते हैं, ये मिक्स इनका है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि 20 SPD 20 में तो इस तरह से USB लगाने की फंक्शन नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें यह है कि 20X में जैसे मेरा HDFC जो कार्ड होता है वो लगता है बड़ा वाला चौड़ा वाला, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट जो है USB लगा सकते हैं, मतलब कहे जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा को इसमें ख्याल रखते हुए ये दी गई हुई है। और यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें 4 एक्सटर्नल ट्रिगर लगा सकते हैं और ये हाईहेट कंट्रोलर है, और यहाँ पे मीडी इन और मीडी आउट का ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे जो है सो फुट स्विच भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे DC इन, इसमें देखते हैं USB रोलेन USB 5U एडाप्टर ओनली, मतलब यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ओनली रोलेंड का जो है इसका स्पेशल एडाप्टर आता है वही यहाँ पे इस्तेमाल करें, और बाद बाकी यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दी गई हुई। अब चलिए एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, और इसका डिस्क जो है मतलब वाकई में कमाल का है दोस्तों, इतना मतलब स्मूथ बहुत मतलब कमाल का लुकिंग, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद देख के इसको दंग हो रहा हूं भाई, क्योंकि मैं मतलब मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं भी रोलेंड का ओरिजिनल ऑक्टापैड लूं, ठीक है, और आज फाइनली आ गया, तो इतना खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के सामने इस चीज को मैं जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा भाई। और इसका देखिए ये एडाप्टर है और इसके साथ ये वायर दी गई है, इसको यहाँ से इसमें कनेक्ट करके और प्लग में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं इसका कुछ इसके एडाप्टर के बारे में भी देख लेते हैं कि कितना वोल्ट का ये करंट लेता है। देखिए एडाप्टर है मेड इन चाइना लिखा हुआ, ठीक है, हालांकि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, वैसे तो बॉक्स में हम देखे थे तो इसमें लिखा हुआ था डिजाइन इन जापान और मेड इन मलेशिया, मतलब ये क्या है भाई, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। रोलेंड ऑक्टापैड जो है, ठीक है, इसको जो है सो जापान में डिजाइन किया गया है और मलेशिया में बनाया गया है, और एडाप्टर जो है चाइना का दिया गया है, मतलब कुछ ये कंपनी वाले भी अजीब अजीब तरह से देते हैं। चलिए दोस्तों वाकई में तो मुझे ये देखने में तो बहुत अच्छा लगा, इसका लुकिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया है, और अब जो है इसका जो है सो हम इसका कुछ चेकिंग वगैरह करेंगे कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट बजा करके। तो पहले इसका जो है जैसे कि कोई भी नया सामान लाते हैं तो बहुत ही से तमन्ना थी इसलिए मैं ये इंस्ट्रूमेंट मंगाया हूँ, तो सबसे पहले माँ सरस्वती का पूजा करूंगा और जितने भी देवी देवता हैं सभी को मतलब पूजा करके, उसके बाद में जैसे एक श्रद्धा होती है, मेरी एक श्रद्धा है, एक जरूरी नहीं कि आप सभी करें, लेकिन मेरी एक श्रद्धा है कि मैंने इतने दिन से तमन्ना रखी और आज वो मेरी पूरी हो तो मैं सबसे पहले भगवान की पूजा करूंगा।
तो इसके बाद इसका पूजन करेंगे भगवान की, और फिर इसका जो है सो और भी इसका आगे का पार्ट लाएंगे कि आखिर इसमें जब न्यू ऑक्टापेड लेते हैं तो उसमें क्या क्या किट, इसमें कितने किट बनाई हुई रहती है, और उसको कुछ बजा करके भी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और फिर से आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप सभी को मोबाइल ऑक्टापेड के लिए वीडियो जरूर मिलेगा, आप लोग चैनल पे बने रहें, और जो भी नए नए जुड़ रहे हैं सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड शेयर कमेंट।